नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिद। अगर आप भी इंटर लेवल एसएससी का फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको बता दें, इसको जो है सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने भी आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट एसएससी का फॉर्म भरे हुए हैं यानी कि बिहार एसएससी का इंटर लेवल वाला, उन सभी को दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों आप भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हुए हैं तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कितना केवी का होगा और कैसे आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तमाम जानकारी डिटेल्स में बताएंगे। और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म दोस्तों हम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके और फॉर्म सबमिट करके भी बताएंगे, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको। सबसे पहले दोस्तों गूगल में चले आना है और सर्च कीजिएगा बिहार हेल्प डॉट आई एन। जैसे सर्च करेंगे बिहार के नंबर वन एजुकेशन पोर्टल बिहार हेल्प डॉट आई एन पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली दोस्तों आपको लेटेस्ट जॉब में दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा बी एस एस सी इंटर लेवल फॉर्म एडिट, देख सकते हैं एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों ऐसे इस आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा या दोस्तों ऑफिशियल मेरे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम जानकारी शेयर किया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम आपको सब कुछ क्लियर करके बताएंगे। लास्ट आपको दोस्तों 18 फरवरी तक आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दोस्तों पोस्ट वगैरह का डिटेल्स है और आपको डायरेक्ट नीचे चला आना है जहाँ पे दोस्तों आपको इंपोर्टेड लिंक मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म कोरेक्शन लिंक लिखा हुआ है, इसी वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर लिंक एक्टिव, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कुछ आपका सवाल है, पहले हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपका सवाल है कि डॉक्यूमेंट क्यों मांगा जा रहा है, हमने तो फॉर्म भर दिया है, मेरा डॉक्यूमेंट क्यों मांगा जा रहा है, ये सवाल आपका क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाउ टू एडिट एंड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको ओपन करते हैं और एक चीज हम आपको क्लियर करते हैं कि जब आपने एसएससी का फॉर्म भरा था बिहार एसएससी का, उस समय अगर आपको याद होगा तो आपको बता दें दो ही तीन चीज आपको मांगा गया था। एक दोस्तों आपको वहां पे लाइव फोटो खिंचाया था, एक फोटो और सिग्नेचर, दो ही चीज मांगा गया था। बाकी ये जो मैट्रिक इंटर जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे जो निवास आय प्रमाण पत्र है, यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। क्योंकि दोस्तों हमने भी फॉर्म भरा था, वीडियो आपको बना के भी डाले थे तो उसमें साफ साफ आपने देखा था बिना डॉक्यूमेंट अपलोड के ही आपका जो है जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका था। तो ऐसे में क्या है कि बिना डॉक्यूमेंट का सबमिट हो गया तो आपको दोस्तों बाद में भी एसएससी के द्वारा ये जो है जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि आप सभी को दोस्तों जो एडिट करना है, अगर आपको एडिट करना है तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेट दिया गया सुधार का एडिट का ऑप्शन वो ठीक है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में दोस्तों सभी जो स्टूडेंट है उनको जो है जो डॉक्यूमेंट है वो प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो कि साथ में सभी स्टूडेंट है, देखिए सभी अभ्यर्थियों का, तो इसलिए सभी अभ्यर्थी का मांगा जा रहा है क्योंकि दोस्तों उस समय ऑनलाइन के समय में जो है कोई फॉर्म वगैरह जो डॉक्यूमेंट है अपलोड नहीं किया गया था, बिना डॉक्यूमेंट के ही फॉर्म सबमिट हो रहा था। ये सबको अगर याद होगा तो आपको पता है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके फॉर्म के अनुसार, जैसे आप किस लेवल का फॉर्म भरे हैं। तो जो लोग अगर आपको कुछ जॉब था जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी मांगा गया था, जिसमें टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो गया कंप्यूटर का, तो अलग अलग कैंडिडेट का यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो अभी फॉर्म भर के बताएंगे वो 80% स्टूडेंट को वही मांगा जाता है। जैसे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद दोस्तों निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विकलांग अगर जो स्टूडेंट है उनको लगता है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए यदि लागू हो, ये सब जो है ऑप्शनल है, यह सब कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो विकलांग है उनको विकलांग का भी लगेगा, या दोस्तों जो कंप्यूटर जो फॉर्म भरे थे और कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया था तो उनको टाइपिंग का ऑब्वियसली लगेगा प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र में आधार कार्ड लगेगा, ये सब चीज़ तो सबको पता है। तो यहाँ पे कुछ प्रमाण पत्र लगभग 5-6 जो है सबको अपलोड करना है। कुछ लोगों का सवाल है कि हमारे पास मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या अपलोड करेंगे, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे, लाइव अपलोड भी करेंगे। यहाँ पर चलिए हम आपको लिंक पर क्लिक किए हैं और डायरेक्ट यहाँ पर जैसे आ गए यहाँ पर हम क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरा था, अगर याद नहीं है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, उसके बाद इस कैप्चर को डाल देना है जो भी आपके सामने आएगा इस तरीके से। तो हम आपको सब कुछ लाइव दिखाने वाले हैं इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको एक चीज बता दें, जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर क्लिक करता है तो उनको पहले पर्सनल डिटेल्स आएगा, एजुकेशन डिटेल्स आएगा, तो वो दोस्तों अगर आपको सुधार करना है,
अगर कुछ गलत है तो आप सुधार करेंगे, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो अभी कैंडिडेट का खोले हैं पहले इनका हम जो है सेव एंड नेक्स्ट कर चुके हैं तो इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको इस परिस्थिति में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर सुधार नहीं भी करना है फिर भी आपको दोस्तों नेक्स्ट करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ सबको मैंडेटरी कर दिया गया है। और डॉक्यूमेंट तो सबको अपलोड करना है, जो कि हम क्लियर कर दिए क्यों अपलोड करना है। अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इनका जो है क्या क्या मांगा जा रहा है ये समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 10th का मार्कशीट है, उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र हो गया और जाति प्रमाण पत्र, तो ये सब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों अब बात कर ले, सबसे पहले 10th का मार्कशीट हम अपलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, आप अपने मोबाइल में क्या कीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा 10th के मार्कशीट का अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ में गूगल में कुछ नहीं करना, सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ, इतना सर्च करेंगे बहुत सारा साइट आ जाएगा, उससे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रख लिया है, यहाँ पे हम 10th का जो है मार्कशीट भी मेरे पास है, तो यहाँ पे मार्कशीट को हम अपलोड करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देखिए जो भी हम लाइव दिखाएंगे फॉर्म सबमिट भी करेंगे, तो इसलिए टेंशन ना ले। अब दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात है, तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास रियर केस में नहीं है तो उस परिस्थिति में या तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप जो है मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोस्तों जैसे आपको मार्कशीट मिलता है उसी समय प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे प्रोविजनल करेंगे। अगर एक्चुअली में अगर मान लिया अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैट्रिक कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करना है तो हमने 12th का मार्कशीट भी स्कैन करके रख लिया है। तो सब कुछ यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है ना कि हम पहले से रख लिया है ताकि हमें कोई इशू ना हो और ताकि हम फट से अपना फॉर्म भर पाए, तो यहाँ पे हम ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। सबको गूगल ड्राइव में हम पहले से ही क्या है कि फोटो खींचे हैं व्हाट्सएप पे और स्कैन मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर लेते हैं। और इसी तरीके से देखिए जो भी है लाइव आप देख पा रहे हैं, और आपको 12th का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो दोस्तों ये जो है आपको जिस समय सब मार्कशीट मिलता है उसी समय कॉलेज में दे दिया जाता है। अगर ये भी नहीं है तो आप इसमें भी अपना मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार डिपेंड करता है। ये चारों चीज़ आपने क्लियर कर दिए और यहाँ पे अपलोड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अपलोड जो है वैलिड आईडी कार्ड आपको करना है जिसपे आपका फोटो भी होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है कि आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड का भी पीडीएफ हमने पहले से ही रख लिया है। तो दोस्तों ये जो साइज है 50 KB से 1 MB के बीच में है, तो ये साइज जो है बिल्कुल आपका जो है अपने मोबाइल से खींचेंगे और उसको जेपीजी से पीडीएफ में करेंगे तो आपका ऑब्वियसली साइज वो कम हो ही जाएगा। अगर साइज फिर भी कम नहीं होता तो व्हाट्सएप पे किसी को भेज दीजिएगा और वही सेम चीज़ व्हाट्सएप वाला क्या है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट का क्वालिटी घट जाता है व्हाट्सएप पे। यहाँ पे हम आपको इस आधार कार्ड को भी अपलोड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र भी हमने यहाँ से पहले से पीडीएफ में रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी एग्जैक्टली हम रखे हैं तो इसको भी अपलोड कर देते हैं। सब कुछ लाइव होने वाला है तो ये काफ़ी इजी तरीके से हम समझा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र सभी कास्ट को अलग अलग मांगा जाता है, जो लोग जिंदल से आते हैं उनको तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे अलग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो सबका अलग अलग। ST SC दो कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, बाकी उनको नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट हो गया ये सब उनको बनवाना पड़ता है NCL, तो ये चीज़ उनको पहले से ही वो बनवा कर रखे हुए होंगे, ये तो फिक्स है क्योंकि बिना उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं और यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है, एक बार देख लेते हैं क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले देखना ज़रूरी है कि वो क्या सही है या नहीं है, तो ये ऐसे क्योंकि गलत ना हो जाए फॉर्म, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने लगभग सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हो गया, और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सबका यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा और यहाँ पे क्लिक है टू व्यू डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार कि क्या आपका सब कुछ सही है। यहाँ पे 10th का मार्कशीट देख लिया हमने, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसी तरीके से हमने देख लिया, सबको चेक करना पड़ेगा आपको, हम चेक करेंगे भी क्योंकि क्या है ना कि कुछ गलत हुआ तो फिर दो अभी तो क्या है री अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, फिर से अपलोड कर सकते हैं कहीं गलत होगा तो। अगर गलत नहीं है
तो उस परिस्थिति में क्या है कि फिर से सबमिट करना पड़ेगा। हम सबको बारीकी से चेक करेंगे, जो भी चीज़ है लाइव दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको भी क्लियर हो जाएगी हम कैसे फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका फॉर्म है वैसे जिस कैंडिडेट का हम भर रहे हैं उसका भी फॉर्म है। तो ऑब्वियसली हम आपको सही बताने का काम करेंगे ताकि आप भी गलती ना करें किसी भी प्रकार। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी हम क्लिक हेयर टू व्यू पे क्लिक करके देख लिए तो निवास प्रमाण पत्र ये भी सही है। अब दोस्तों ये यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ये भी चेक कर लेते हैं तो ये भी सही है। तो सब कुछ हमने सही अपलोड कर दिया है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे आपने क्लियर कर दिया कि हमारे द्वारा दिया गया जो भी डिटेल्स है वो सही है। अगर किसी प्रकार का गलत होता है तो फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा ये जो है फाइनल सर्टिफिकेट जो है सबमिट हो चुका है ऐसे में, और सबमिट हो चुका है तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। एक दोस्तों यहाँ पे प्रिंट अपलोड अप्लीकेशन फॉर्म है और एक है ओल्ड। एक तो अभी आपने जो भरा है वो वाला हो गया और दूसरा यहाँ पे ओल्ड हो गया। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अलग अलग स्लिप है। आप अपना यहाँ पे प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है क्या है ना कि ये प्रिंट इसको कर लेना है, क्योंकि ये दोस्तों आप रखेंगे अपना प्रिंट करके फॉर्म को ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और यहाँ पे साइज भी सही कर देते हैं और इसको प्रिंट करके हम सेव करके रख लेंगे ताकि किसी प्रकार का इशू मेरे पास ना हो, क्योंकि कोई भी फॉर्म क्या है कि गलत होने के बाद सही बाद में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे सेव कर लेते हैं इसी तरीके से डेस्कटॉप पे। तो आप भी अपना सेव कर लीजिएगा अपना जो भी फॉर्म आपने भरा है और इस तरीके से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कोई और सवाल है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।